जय श्री राधा माधव। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी के प्रवचनों से, विषय शरीर संसार एक है, परमात्मा और जीव एक है। स्वामी जी कह रहे हैं कि संसार और शरीर एक है और अपनी आत्मा और परमात्मा एक है, शरीर और संसार एक है। ये किसी के साथ रहा नहीं है, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, साथ रहता ही नहीं। और परमात्मा सबके साथ है, पहले भी था, भविष्य में भी रहेंगे, अलग हो सकते ही नहीं। परमात्मा काल से अतीत है, नित्य है। संसार और शरीर प्रतिक्षण बदलता है, यह तो हरदम बदलता है, हर दम। जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम बह रहा है, आप देखो तो ना देखो तो बह रहा है, ऐसे शरीर संसार बह रहा है। जैसे बालक है, जवानी आई तो बालकपन का अभाव हो गया, वृद्धावस्था आई तो जवानी का अभाव हो गया। परमात्मा का कभी अभाव होगा ही नहीं। नास्ते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। असत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। तो वासुदेव सर्वम, अनेक से एक, एक से अनेक परमात्मा ही हैं। उन परमात्मा को प्राप्त करना है और वह परमात्मा सबको प्राप्त है। अविनाशी की तरफ दृष्टि कर लें, उसी को प्राप्त करना है, वह प्राप्त है सभी को। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में भी वही परमात्मा है, वह कभी बदलते ही नहीं। वह परमात्मा हमारा है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसकी प्राप्ति करना हो तो अभी अभी इसी क्षण, यह संसार नहीं है, वह परमात्मा है। वह कभी बदला नहीं, बदलेगा नहीं, बदल सकता ही नहीं। यह हरदम बदलता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, यह 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है और परा प्रकृति जीव स्वरूप है। और एक भगवान, तो भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। मानो असत भी सत से ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। अपरा प्रकृति हरदम बदलती रहती है, सर्ग में, महासर्ग में, प्रलय में, महाप्रलय में भी बदलती है। जैसे आपका शरीर जागृत में बदलता है, ऐसे ही स्वप्न और सुषुप्ति में भी बदलता है। भगवान ने प्रकृति को मेरी कहा है, पर जीव को अपना अंश कहा है। मेरा अंश है, सनातन अनादि काल से है। शरीर और संसार बदलता रहता है, हमारा वह होता है जो हरदम है, हरदम रहता है, रहता और बहता। बहता है वह अपरा प्रकृति है और जो रहता है वह परा प्रकृति है। शरीर में परिवर्तन होता है हरदम। मरण धर्मा, शरीर से अमरता की प्राप्ति हो जाती है। जड़ता का त्याग करने के लिए, यह त्याज्य वस्तु है, हरदम बदलती है। ऐसा कोई क्षण नहीं है कि नहीं बदलता हो। जीव वही रहता है, 84 लाख योनियों में जाता है तो भी जीव वही रहता है। बदलने वाले को देखते हैं, ना बदलने वाले को देखते ही नहीं। ना बदलने वाला सब में है, ज्यों का त्यों रहता है। यह बात है महाराज। शरीर मरण धर्मा है, इससे अमरता की प्राप्ति कर लें, यह बुद्धिमानी है। नाशवान शरीर को प्राप्त करके अविनाशी की प्राप्ति कर ले। जो बदलता ही बदलता है, रहेगा कैसे? पर बदलने वाले को मुख्यता दे दी है और वह रहेगा नहीं। ना बदलने वाला है, ज्यों का त्यों, सच्चा है वह सच्चा और बदलने वाला झूठा है। एकदम चौड़े की बात है। बालकपन से जवान हो गए, जवान से बुढ़े हो गए, यह बदलता ही रहता है। जन्म मरण में गुणों का संग ही कारण है।
जीव ना बदलने वाले का अंश है। शरीर संसार किसी के साथ नहीं रहता, परमात्मा सबके साथ रहता है। भूत प्रेत सांप बिच्छू सब में अमृतस्य पुत्र ममेवांशो जीवलोके, जीव मेरा ही अंश है। नाशवान के भरोसे अविनाशी को छोड़ दिया, तुम बड़े हो भाई। नारायण नारायण नारायण। श्री राधा माधव सरकार की जय।